श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गलत संगत में पड़ गए हैं, व्यसन करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप कह कह कर समझा समझा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपकी वो बात मान ही नहीं रहे हैं। आजकल ये हर घर की समस्या हो रही है कि बच्चे जो हैं वो बात नहीं मानते हैं, बच्चे जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों की जो संगत है, सबसे बड़ी संगत जो है वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो अपना करियर भी ख़राब कर लेते हैं और वो व्यसन करने लगते हैं। तो यदि आपके घर में भी ऐसी समस्या है तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना चाहिए ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर हो सके और आपके बच्चे जो हैं वो सुधर जाएं और वो गलत मार्ग पर ना जाएं। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपके बच्चे क्रोध भी करते हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए, बिगड़ चुके हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए, गलत संगत में है, व्यसन करते हैं, दारू सिगरेट बीड़ी पीते हैं या गुटखे का सेवन करते हैं या अपशब्द आपको कहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव की यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मात्र एक बार ये उपाय करके देखिए, निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। बहुत आसान सा उपाय है। ये उपाय दो दिन कर सकते हैं, एक शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं, यानी कि कल भी कर सकते हैं, कल करना चाहें तो, या तो आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और साथ में लेनी है 5 काली मिर्ची। काली मिर्ची भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझना। एक लाल कपड़ा लेना, लाल कपड़े के अंदर 5 लौंग रखना, 5 काली मिर्ची रखना और इसे लाल धागे से ही आपको बांध देना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस पोटली को आपको हनुमान जी के, कोई भी आपके घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, किसी भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको जाना है और हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में ये आपको रख देना है। देखिए, अगर आप पुजारी जी को बोलेंगे, पंडित जी को बोलेंगे तो वो रख देंगे और वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम हन हनुमते नमः का जाप करना, श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है और उसके बाद वो जो लौंग है और काली मिर्ची है, जो पोटली है, उसे आपको उठाना है और आपको सीधे आपके घर में आ जाना है। अब आपको क्या करना है, 250 ml आप पानी लेना, थोड़ा सा पानी लेना, 2 कप पानी लेना और उस पानी के अंदर आपको ये लौंग जो है, 5 लौंग डाल देनी है, पोटली खोलना और 5 लौंग डाल देना, 5 काली मिर्ची डाल देना। जब आप पोटली लेंगे भगवान हनुमान जी के मंदिर से, चरणों से, तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे जो गलत संगत में है, व्यसन करते हैं, ये समस्या दूर हो जाए, आपकी कृपा विशेष होनी चाहिए। ऐसा करके आपको क्या करना है, ये जो पोटली जब उठाओगे तब आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना है, श्रम्भेश्वर महादेव। ठीक है, हनुमान जी के पोटली हनुमान जी के मंदिर से उठाएंगे लेकिन श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेंगे और जब 250 ml पानी के अंदर आपको 5 लौंग डाल देनी है और 5 काली मिर्ची डाल देनी है और इसे उकाल लेना है। ठीक है, इस उकले हुए पानी को आपको एकत्रित कर लेना है, किसी भी पात्र में आप इकट्ठा कर लें और उसके बाद अब आपको इस जल को पिलाना है। जो भी बच्चा आपके घर में गलत संगत में है, गलत व्यसन करता है, आपकी बात नहीं सुनता है, खाने में मिला करके दे दीजिए, पानी में डाल करके दे दीजिए, 2-4 बूंद ही डाल दीजिए, कुछ दिनों तक ये पानी उसका चलना चाहिए। आप रोज लगातार ये पानी का जो जल है उसे दें। जब जल आप डालेंगे, खाने में डाल रहे हैं, पीने के वाले पानी में डाल रहे हैं, तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखो स्क्रीन पर मिल जाएगा, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करना कि ये सतमार्ग पर आ जाए, ऐसी प्रार्थना करके आपको ये जल जो है खाने में डाल देना है। काई में भी मिलाकर दे सकते हैं और इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। लौंग और काली मिर्ची का ये जो मंत्रित पानी है, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको पिलवाना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, बहुत आसान सा उपाय है, निश्चित ही आपके बच्चे सुधरेंगे, ऐसी भगवान से कामना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।